रह सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं कुकिंग विद हिना में लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ यूनिक रेसिपी, और छोटी सी रेसिपी जिसे आप बहुत पसंद करेंगे और आपको बहुत पसंद भी आएगी। आप इसको बनाइएगा ज़रूर। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्रमोट कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो जी, मैं आपके लिए आज बना रही हूँ ये दूध के साथ एक रेसिपी। ठीक है, दूध हमने कई चीज़ों में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, दूध हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, लेकिन दूध में हम लोगों ने कभी कोई चीज़ खाली दूध की नहीं बनाई। ठीक है, आज मैं आपको ये यूनिक रेसिपी जो है सिर्फ दूध के साथ बनने वाली मिठाई जो है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और ये होगा एक हलवा टाइप, लेकिन सिर्फ दूध का। इसमें ना तो कोई मैदा डलेगा, ना कोई सूजी डलेगी, ना कोई मिल्क पाउडर, कोई चीज़ हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ खाली दूध की मैं आपको ये बनाने दिखाऊंगी, बल्कि सिखाऊंगी। आप देखिएगा, ज़रूर बनाइएगा और इसको इंजॉय भी कीजिएगा और अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा और मुझे फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक लीटर पैक लिया है फुल क्रीमी दूध जो है, ये आज़र सूद यहाँ से मिलता है, ये 3.2 होता है। आपके पास जो भी अवेल हो आप उसमें बना सकते हैं। पाकिस्तान में हम लोग ज़्यादा ऑलपर इस्तेमाल करते थे। आपके पास ऑलपर हो, कोई भी हो, आप किसी भी दूध से इसको बना सकते हैं, घर का हो, जो भी हो, लेकिन ये है कि ये फुल क्रीमी है और फुल फैट है। तो मैंने ये लिया 1 लीटर। ठीक है, मैं 1 लीटर से आपको बनाना ये बताऊँगी। हम लोग इसको पहले गर्म करेंगे, इसमें बॉयल आने के बाद हम लोग अगला दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, नींबू का रस या हम इसमें सिरका लेंगे। ठीक है, आप उसमें ऐड करेंगे हम लोग सिर्फ, ये किलो लीटर दूध है तो इसमें आप 1 चम्मच जो है वो उसका नींबू का डालेंगे, नींबू का रस। हमने इसको पनीर की शेप नहीं देनी, हम लोगों ने सिर्फ इसको छोटा दाना इसका रखना है जो फट जाए, ये दूध फटाना है और इसको छोटा रखना है। पनीर की शेप इसको हम लोगों ने नहीं देनी। अगर ये ज़्यादा फट गया तो इसका बड़ा दाना हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए, वो सोन हलवे की सूरत जो है वो तैयार कर जाएगा। ये हमारा दूध को बॉयल आ रहा है अभी और जैसी शक्ल हमें चाहिए, अभी वो नहीं आई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूध जो है वो फट चुका है। आपने सिर्फ लेमन के 2 चम्मच जो है टेबलस्पून वो आपने इसमें ऐड करने हैं 1 लीटर दूध में। इसका दाना बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना है। ये देखें, इसी तरह का हम लोगों ने ये शेप लानी है बस। पनीर को मोटा दाना हमने पनीर का नहीं रखना और इसको हम लोगों ने ड्राई करते जाना। ड्राई होता है तो हम इसको जो शक्ल आएगी मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। और इसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ना कोई मैदा, ना कोई कॉर्नफ्लोर, कोई कुछ भी हमने नहीं करना। हमने सिर्फ ये दूध को पकाना है और इसमें सिर्फ चीनी ऐड करेंगे और सिरका मैंने आपको दिखाया। आप सिरका डालें, लेमन डालें, जो भी आपका दिल करता है वो आप डाल लें। उसके बाद चीनी डालते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये मेरा दूध जो है वो ड्राई हो रहा है, तो ड्राई होता तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, हमारा पनीर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसने पानी अलहदा और पनीर अलहदा हमारा हो चुका है। अब हम इसको ड्राई करेंगे, इसका पानी बिल्कुल खुश कर लेंगे और हम लोग इसको भूनेंगे अच्छी तरह। ठीक है, इसका पानी मैं आपको गाहे बगाहे इसीलिए दिखा रही हूँ कि हमने इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं की और ना हमने करनी है, हमने इसी को पकाना है बिल्कुल। और ये देखें, ये पानी अलहदा है और पनीर अलहदा है। ठीक है, अब हम इसको खुश करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारा दूध का जो पानी था वो देखिए ऑलमोस्ट कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा। ये ऑलमोस्ट डन नहीं है हमारे, लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और ड्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये 1 लीटर दूध था तो इसके अंदर हमने 1.5 कप चीनी ऐड करनी थी। ठीक है, करनी है मतलब, लेकिन इसमें हम लोग आधी चीनी ऐड करेंगे ताकि हम इसका आधी चीनी हम इसके बाद में ऐड करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इस कंडीशन पे हम लोग आधी चीनी ऐड करेंगे ताकि इसका जो कलर चेंज हो जाए और कैरमलाइज हो जाए थोड़ा सा, और इसके कलर को चेंज करने के लिए हम इसमें हाफ चीनी जो है इसमें ऐड करेंगे और हाफ जो है हम लोग इसको रख लेंगे। और देख लें, मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की सिवाय सिरके के या लेमन के जो आप लोग ऐड करेंगे। इसी को हम इसी में ड्राई करेंगे और इसी को हम भूनेंगे।
इसकी जब बुनाई करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, बट इसको अभी और ड्राई होने, क्योंकि इसमें हमने चीनी ऐड की है, चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है, तो ये खुश्क होती है तो मैं आपको मतलब दिखाती हूँ। ये देखें इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया, पहले वाइट वाइट था, अब ये देखें थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हमने अभी हाफ चीनी इसमें ऐड की भी है, हाफ चीनी हम लोग इसकी ऐड करेंगे बुनाई करते वक्त। ये देखें, ये अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आपके पास अगर साबुत इलायची हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास इलायची पाउडर है तो मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करने लगी हूँ। ये देख लें हाफ टी स्पून से भी कम है। ये देखिए पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है दूध का। अब हम इस कंडीशन पे आके ऑयल यूज़ करेंगे 2 चम्मच। आप लोग बटर ऐड कर सकते हैं, आप लोग मक्खन ऐड कर सकते हैं, आप लोग देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल की डालने की वजह से ये है कि इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और उसके इसके ऊपर शाइन आएगी। और अब हम इसमें जो हमारी बची हुई चीनी है रस आया वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। और अब हम इसकी बुनाई करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बुनाई तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, डिश आउट करने के बाद हम लोग इसको दिखाएंगे। अब मैं इसकी आपको बता दूँ कि ये तुर्कश रेसिपी है, तुर्कश में इसको बकलावा कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसको इतना आसान कर दिया आपके लिए कि सिर्फ दूध से बनने वाला हलवा मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ये बकलावा रेसिपी है असल में तुर्कश की, और इधर आज़रबैजान में भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा इसको मीठे के तौर पर घरों में इस्तेमाल होता है। ये मुख्तलिफ इवेंट्स पे भी इसको हम ये लोग भी ये बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा जो अब ये रेडी हो चुके हैं, हम लोग इसको अब स्पैचुला की मदद से डाल के तो इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है, और फिर हम इसके क्यूब्स की तरह कट कर लेंगे। ये इस तरह से आप इसको फैला लें आहिस्ता आहिस्ता,